बरेली में नगर निगम चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी दफ्तर पर प्रत्येक वार्ड से अनेक प्रत्याशियों के आवेदन आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने आज सहसवान विधायक ब्रजेश यादव को नगर निगम चुनाव के और प्रत्याशियों का चयन करने के लिए भेजा है। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रजेश यादव ने कहा, हाईकमान के निर्देश पर पहुंचा हूं। बहुत जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा द्वारा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम प्रत्याशियों को तारे जाने के सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि पार्टी अपना फॉर्मूला खोलना नहीं चाहती, समय आने पर खोला जाएगा। विधायक ब्रजेश यादव ने कहा कि बदायूं में ट्रिपल मर्डर हुआ है, योगी जी बुलडोजर चलवाएं। उन्होंने दावा किया कि 60 से अधिक सीटें उन्होंने दावा किया किन 60 से अधिक सीटों इस बार भाजपा जीतेगी और मेयर भी हमारा होगा। पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा। किस उद्देश्य से बनने वाला हुआ आज आपका? मुझे पार्टी ने नगर निगम चुनाव के टिकट वितरण के लिए प्रभारी बना के दिया। इससे पहले भी बरेली में आया था और इस बार ये मान लीजिए कि पूरी कमेटी का और जो भी जिस वर्ग में अगर आरक्षण होता है, किसी एससी में होता है तो एससी के लिए, महिला में होता है तो महिला के लिए, जो संभावित प्रत्याशी हैं जो लड़ना चाहते हैं उनसे बात करने में आया हूँ और ये रिपोर्ट कल तक लखनऊ पार्टी दफ्तर में मुझे देनी है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, इसमें आपके लिए आंकड़ा टेढ़ा नहीं? देखिए, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है और पार्टी की जो पॉलिसी है वो मैं मीडिया में नहीं कहना चाहूँगा। उनकी पॉलिसी का जवाब देना हम लोग समाजवादी लोग जानते हैं। इस बार निश्चित तौर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर डिफीट देने ही आए। बरेली का इतिहास रहा, यहाँ से समाजवादी पार्टी से आज तक कोई भी मेयर नहीं जीता है। आईएस तोमर साहब बने लेकिन वो पहले निर्दलीय लड़े और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस बार किस तरह की रणनीति? पिछली बार में कि अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि बहुत बड़ा चुनाव में खेल किया गया, उसके बाद आईएस तोमर साहब को हराया गया। इस बार पार्टी ऐसा चेहरा आप लोगों को देगी जो जिताऊ होगा और निश्चित तौर से जब सब कार्यकर्ता और सब साथी मन से लगेंगे, मुझे इसीलिए प्रभारी बना के भेजा गया है कि पार्टी की संगठन के जो भी कमी है, जो लगती है पार्टी को या हमारे साथियों को लगती है, वो दूर करके सबको एक करके समाजवादी पार्टी का मेयर इस बार बरेली में निश्चित तौर से होगा। बोला चुनाव को लेके वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, लोगों का फेवर था और देखिए अगर कोई खेल नहीं होता है तो निश्चित तौर से पार्टी जीत गई। देखिए रामपुर और आजमगढ़ में देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।